Hello everyone, I am Ibadur Rahman and in this video I am going to explain exercise of chapter 5 heat of class 7 physics. So let's start exercise of chapter heat. Look here, it is your section A. Choose the correct option. Okay, black objects are, अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, कौन से ब्लैक ऑब्जेक्ट पे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट कनेक्ट हो सकता है. तो इसका ऑप्शन है गुड एब्जॉर्ब्ड एंड गुड एमिटर ऑफ हीट. जो ब्लैक ऑब्जेक्ट होते हैं वो अच्छे तरीके से हीट को एब्जॉर्ब भी करते हैं और वो एमिट भी करते हैं, मतलब उत्सर्जित करते हैं या अपने अंदर से हीट को बाहर निकालते हैं. तो ब्लैक ऑब्जेक्ट के साथ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी. सो मार्क हियर एज ए बी एज ए करेक्ट ऑप्शन. Now, second question, an iron ball at 40 degree Celsius is dropped into a mug of water at 40 degree Celsius. किसी iron ball को अगर 40 degree Celsius पे drop किया जाए किसी पानी से भरे हुए mug में, at 40 degree Celsius वो water भी है और आपकी iron ball जो है वो भी 40 degree Celsius पर है, तो क्या होगा? The heat will not flow in either direction. अगर से देखिए, हीट तब फ्लो होती है जबकि किसी एक बॉडी का टेम्परेचर कम और एक बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है. तो यहाँ पर आयरन बॉल एंड वाटर दोनों आपके 40 डिग्री सेल्सियस पर है, तो यहाँ पर हीट का ट्रांसफ़र नहीं होगा. हीट तभी ट्रांसफ़र होती है एक जगह से दूसरी जगह या एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जबकि वहाँ पर टेम्परेचर का डिफरेंस होता है. यहाँ पर दोनों बॉडी सेम टेम्परेचर पर हैं, तो अगर से सेम टेम्परेचर पर तो हीट का फ्लो किसी भी डायरेक्शन में नहीं होगा. सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ऑप्शन. The heat will not flow in either direction. Clear? Now, third question. Which of the following is the coldest temperature possible? इसमें से कौन सा temperature possible है जो हो सकता है, ठीक है ना? Okay. 0 degree Celsius आपने देखा था, इससे कम हो सकता है. -5, -10, -20, -70, -40, -100, कुछ भी हो सकता है. तो करेक्ट ऑप्शन आपको कौन सा है? ए, ऑप्शन ए, 0 Kelvin. ये आपका मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है. बाकी जीरो टेम्परेचर 0 degree Celsius से और कम हो सकता है, 0 degree Fahrenheit से भी कम हो सकता है, एंड -273 degree Fahrenheit भी नहीं हो सकता है. तो ये तीनों ऑप्शन आपके नहीं है, ऑप्शन ए एज ए करेक्ट ऑप्शन. सो इट 0 K, इसको ओके मत समझ लीजिएगा, 0 Kelvin है. ओके, यूनिट ऑफ टेम्परेचर केल्विन. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज इज नॉट इनफ्लेमेबल? LPG, वुड, वाटर एंड पेपर. इनफ्लेमेबल मीन्स ऐसे बॉडी, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनको जलाने पर फ्लेम ना निकले, आग ना निकले, ठीक है ना? जैसे कि आप लकड़ी जलाते हैं, कागज़ जलाते हैं तो उसमें से आग निकलती है ना जलने के बाद. तो LPG, वुड या पेपर को अगर हम जलाएंगे तो फ्लेम बनेगी, बट वाटर नहीं बर्न होता है, वाटर को जलाया नहीं जा सकता है. सो ये इनफ्लेमेबल ऑब्जेक्ट हो गए या मैटर हो गए. तो ऑप्शन सी एज ए करेक्ट ऑप्शन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. इन फिफ्थ क्वेश्चन, मेल्टिंग इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ. अब देखिए, आपसे पूछा जा रहा है मेल्टिंग का रिवर्स प्रोसेस क्या होता है. तो सबसे पहला काम तो आपको ये जानना है कि मेल्टिंग होती क्या है. मेल्टिंग मीन्स किसी सॉलिड का लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट होना, चेंज एट ए कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू लिक्विड स्टेट. तो ये प्रोसेस मेल्टिंग होती है. जैसे आइस का मेल्ट होना, तो आइस आपका सॉलिड फॉर्म में, वो मेल्ट होकर लिक्विड में आएगी, वाटर फॉर्म में आएगी, तो वो मेल्टिंग होती है. हमको मेल्टिंग का अपोजिट बताना है, रिवर्स बताना है ना, जस्ट अपोजिट ऑफ मेल्टिंग प्रोसेस. तो जैसे मेल्ट होना मतलब सॉलिड से लिक्विड बनना, ये मेल्टिंग प्रोसेस है. तो लिक्विड से सॉलिड बनना इसका अपोजिट प्रोसेस हुआ. तो ये इसको क्या कहते हैं, फ्रीजिंग. ये प्रोसेस क्या है, फ्रीजिंग, जमना किसी चीज़ का. जैसे कि लिक्विड से आप आइस बना दो या वाटर से आइस में कन्वर्ट होता है, तो लिक्विड स्टेट से वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है. तो ऑप्शन बी एज ए करेक्ट ऑप्शन. नाउ 6, एन एग्जाम्पल ऑफ सब्सटेंस दैट सब्लिम्स इज. अब इसमें से कौन से एग्जाम्पल ऐसे हैं जो सब्लिमेंट्स हैं. सब्लिम का मतलब हो गया ऐसे ऑब्जेक्ट जो सॉलिड स्टेट से डायरेक्ट गैसेस स्टेट में या वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट. मीन्स सॉलिड से डायरेक्ट गैस फॉर्म में. होता यह है कि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट ऐसे या मटेरियल ऐसे होते हैं जो सॉलिड से पहले लिक्विड बनते हैं, लिक्विड से फिर गैस के फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं.
बट कुछ ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कैम्फर, कपूर जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो सॉलिड फॉर्म में होता है, फिर वो लिक्विड नहीं होता, वो डायरेक्ट वेपर के फॉर्म में गैस बन के उड़ जाता है। तो वो सब्सटेंस क्या कहलाते हैं आपके, सब्लिमेंट्स कहलाते हैं। तो फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब आपकी या तो गैस है या तो लिक्विड है, लिक्विड है, सॉलिड है, ये आपको लिक्विड है। तो आयोडीन ऐसा होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन ये डायरेक्ट क्या होगा, सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होता है। तो कौन सी है ये ऑप्शन डी एज ए करेक्ट ऑप्शन, ये सब्लिम्स है। क्लियर? नाउ सेक्शन बी, हियर फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, नाउ स्टार्ट सेक्शन बी। टेम्परेचर ऑफ बॉयलिंग वाटर कैन नॉट बी मेजर्ड बाई फिल इन द ब्लैंक्स एंड थर्मामीटर। अब आपको ये बताना है कि जो बॉयलिंग वाटर होता है उसका टेम्परेचर कैन नॉट मेजर नहीं किया जा सकता है। किस टेम्परेचर से? जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उससे मेजर नहीं हो सकता है। ऐसा क्यों होता है? जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है उसका रेंज बहुत कम होता है, उसका रेंज इतना होता है कि वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र कर सकता है, फ्रॉम 37 टू 42 डिग्री सेल्सियस होता है, बाकी फॉरेन हाइट में 98 टू 105 सपोज कर लीजिए, या 96 टू 105, 95 टू 105 डिग्री सेल्सियस तक, फॉरेनहाइट तक सॉरी। तो उसका जो वेरिंग पॉइंट होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, वो तकरीबन 10 डिग्री फॉरेनहाइट के सेल्सियस में होता है, 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास का डिफरेंस होता है। सेल्सियस में तो कम होता है, फॉरेनहाइट में अप्रॉक्स 10 डिग्री फॉरेनहाइट के आसपास होता है। तो वाटर टेम्परेचर तो कहीं से भी हो सकता है, सपोज कर लीजिए 5 डिग्री का वाटर टेम्परेचर है तो कैसे मेजर होगा, या वाटर को बॉयल कर दिया तो 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तो वो भी नहीं हो सकता। तो वो स्केल ही नहीं होता है क्लिनिकल थर्मामीटर में, वो तो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर करने के लिए होता है ना। तो उसका जो वेरिंग पॉइंट होता है वो बहुत थोड़ा सा होता है, उसकी रेंज बहुत थोड़ी सी होती है, इससे क्लिनिकल थर्मामीटर से आप नॉर्मल वाटर का टेम्परेचर मेजर नहीं कर सकते हो। नाउ सेकंड क्वेश्चन, हियर इन सेकंड क्वेश्चन, एब्सोल्यूट जीरो इज द सेम एज -273 डिग्री सेल्सियस एंड -950.8 डिग्री फॉरेनहाइट। मालूम नहीं ये आप लोगों को दिख रहा है वीडियो में, नहीं यहाँ पे लिखिएगा -273 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी राइट रिटन हियर एंड -950.8 डिग्री फॉरेनहाइट। Woolen cloths are good heat insulator because air is trapped with the cool fiber. यहाँ पे air fill कर दीजिएगा। जो woolen cloth होते हैं वो air को रोक लेते हैं अपने अंदर, और air जो होती है वो आपकी insulator होती है, वो heat को transfer नहीं करती। इसीलिए हम लोग जाड़े में देखिए woolen cloth पहनते हैं, या आप लोग घरों में जो वो रज़ाई यूज़ करते हैं या ब्लैंकेट होता है वो थोड़ा सा पफ़ी होता है, क्योंकि उसमें एयर जो होती है वो ब्लॉक हो जाती है। एयर ब्लॉक होने की वजह से वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को बाहर क्लाइमेट में ट्रांसफ़र नहीं करती, तो वो मेंटेन रखती है, जिसकी वजह से हमको गर्म लगता है। ओके, नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अ कोल्ड मेटल स्पून इज डिप्ड इनटू हॉट सूप, द अदर एंड ऑफ द स्पून बिकम हॉट ड्यू टू कंडक्शन ऑफ हीट। अब देखिए मेटल में हीट का ट्रांसफर किस प्रोसेस होता है, कंडक्शन से होता है। तो यहाँ पे लिखिएगा कंडक्शन, CONDUCTION, कंडक्शन। नाउ फिफ्थ पार्ट, वाइट बॉडीज आर गुड रिफ्लेक्टर ऑफ हीट। जो वाइट बॉडी होती है वो हीट को जल्दी से रिफ्लेक्ट कर देती है, ठीक है। टेलीफोन वायर सैग ड्यूरिंग विंटर, जो टेलीफोन वायर होते हैं वो गर्मियों में क्या होता है, जैसा लूज़ हो जाते हैं एक दूसरे के बीच में, देखिए पोल के बीच में टेलीफोन वायर तो आपको दिखेगा नहीं, आप सपोज़ कर लीजिए जैसे एक पोल से दूसरे पोल पर इलेक्ट्रिक वायर सप्लाई होता है, तो वो क्या होता है थोड़ा सा गर्मी में ढीला हो जाता है, लूज़ हो जाता है, और फिर विंटर में क्या होता है एकदम टाइट हो जाता है। तो आप यहाँ पर क्या बात हो रही है, ड्यूरिंग विंटर टेलीफोन वायर सैग ड्यूरिंग विंटर, विंटर में क्या होगा वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा, क्लियर, उस टेंशन की वजह से वो श्रिंक हो जाता है या छोटा थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, जिसकी वजह से दोनों पोल के बीच में जो झुकाव होता है वो ख़त्म हो जाता है, बिल्कुल आप टाइट रहेगा। आजकल आप देखिएगा तो आपको जो इलेक्ट्रिक वायर है वो बिल्कुल एक पोल से दूसरे पोल पे जब जाएगा वो बिल्कुल टाइट रहेगा, बट विंटर वो समर में जब आप देखिएगा तो वो थोड़ा सा लूज़ रहेगा, कभी ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को, आसपास सबके पोल होगा वो देख सकता है। नाउ सी ऑफ सेक्शन, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। Bimetallic strip make use of a principle that different metals expand differently. जो bimetallic strip होती है वो इस principle पर work करती है कि अलग अलग metal का
एक्सपेंड करने की जो कैपेसिटी होती है वो अलग अलग होती है। मतलब जैसे हम आयरन को हीट प्रोवाइड करें, कॉपर को हीट प्रोवाइड करें या सिल्वर को हीट प्रोवाइड करें, तो हर मेटल की एक कैपेसिटी अलग होती है। कुछ हीट को लेकर एब्जॉर्ब करके फौरन एक्सपेंड कर जाएगा, वो बढ़ जाएगा। कुछ ऐसे होंगे जो देर में बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो बाईमेटेलिक स्ट्रिप होती है वो अलग दो मेटल को ज्वाइन करके एक स्ट्रिप बनाई जाती है। वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करती है? क्योंकि उनका एक्सपेंडिंग कैपेसिटी अलग अलग होती है। सो ये स्टेटमेंट आपका क्या हुआ? ट्रू हुआ। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। नाउ सेकेंड, इन कन्वेक्शन देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड नो ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कन्वेक्शन किस में होता है? जैसे गैस या लिक्विड में कन्वेक्शन होता है। लिक्विड में क्या होता है? जैसे नीचे के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करके सरफेस पे आ जाते हैं। इन्होंने कहा है देयर इज ओनली ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड नो ट्रांसफर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये प्रोसेस गलत है, ये फॉल्स स्टेटमेंट है। ये कहाँ होता है? ये आपका कंडक्शन में होगा। सॉलिड में जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है वहाँ पे सारे मॉलिक्यूल्स बंधे होते हैं। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। और इसको करेक्शन कैसे होंगे? यहाँ पे कंडक्शन लिख दीजिएगा, CONDUCTION, कंडक्शन, कन्वेक्शन नहीं, कंडक्शन। क्लियर? नाउ थर्ड क्वेश्चन, अ थर्मामीटर केप्ट अंडर योर टंग इज एबल टू मेजर बॉडी टेम्परेचर ड्यू टू द मेथड ऑफ द कंडक्शन। जो थर्मामीटर होता है, जब हम वो अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं बॉडी के टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, तो वो किस तरीके से हीट को एब्जॉर्ब करता है? हमारी बॉडी के कोई मॉलिक्यूल्स थर्मामीटर के अंदर नहीं जाते हैं। क्या होता है? हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो ट्रांसफ़र हो जाता है सिर्फ थर्मामीटर की नॉब को, जो पॉइंट हम थर्मामीटर का अपनी ज़बान के नीचे रखते हैं। तो ये प्रोसेस कौन सी है? कंडक्शन है। इट इज़ ट्रू स्टेटमेंट। सो ऑप्शन फर्स्ट ट्रू, सेकेंड फॉल्स, थर्ड ट्रू। नो फोर्थ क्वेश्चन, एयर इज ए प्योर पुअर इंसुलेटर। यह सही बात है, एयर जो है वो इंसुलेटर होती है, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती। अब जरा से यहाँ पे एक बात समझिएगा, अगर से ऐसी एयर है जो फ्लो हो रही है, मीन्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रही है, तो वो एयर आपकी एज ए कंडक्टर होगी। बट अगर स्टिल एयर है, जैसे कहीं रुकी हुई हवा है, वो फ्लो नहीं हो रही है, तो वो आपकी एज ए इंसुलेटर होती है। लेकिन नॉर्मली यहाँ पर इन्होंने कुछ दिया नहीं है, इसलिए ये टॉपिक ज़्यादातर स्टिल एयर के फॉर्म में होता है। मतलब ऐसी हवा जो बह न रही हो, रुकी हुई हो एक जगह। जैसे हम लोग कपड़े पहनते हैं, तो मॉलिक्यूल्स के बीच में या कॉटन के बीच में या ऊन के बीच में जो एयर होती है वो आपकी स्टिल एयर कहलाएगी। जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने रूम की विंडो डोर सबको क्लोज कर लेते हैं, तो हमारे रूम के अंदर की जो एयर है वो स्टिल एयर के फॉर्म में लगभग होती है। आजकल आप अपने रूम को बंद किए होंगे, तो अंदर की एयर बाहर नहीं जाती है, बाहर की एयर अंदर नहीं आती। तो रीज़न क्या होता है? जो रूम के अंदर की एयर होती है वो स्टिल एयर के फॉर्म में होती है, वो एज ए इंसुलेटर होती है, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। लेकिन अगर हम अपने रूम के सारे विंडो डोर्स सब ओपन कर दें, तो क्या होगा? बाहर से हवा अंदर आएगी, अंदर की एयर बाहर जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? हीट का ट्रांसफ़र होगा, तो वो एज ए कंडक्टर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो कंडीशन दी गई है वो एज ए स्टिल एयर के फॉर्म में दी है। ये इंसुलेटर या स्टिल एयर जो होती है वो इंसुलेटर होती है। ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है। नाउ -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 केल्विन। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। क्या फॉल्स है इसमें? -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फॉरेनहाइट। यहाँ पे केल्विन ना होकर फॉरेनहाइट होना चाहिए था। सो ये स्टेटमेंट अभी फॉल्स है। करेक्ट कैसे होगा? जहाँ पे के लिखा हुआ है वहाँ पे डिग्री फॉरेनहाइट लिख दीजिए, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, वेन एवर हीट इज सप्लाइड टू द बॉडी और सब्सटेंस इट्स टेम्परेचर हैज़ टू राइज। अगर किसी बॉडी को हीट प्रोवाइड की जाए तो उसका टेम्परेचर इंक्रीज होता है। ये तो सही बात है। नॉर्मली किसी भी बॉडी को अगर आप देखते होंगे घर में, किसी भी बर्तन में जब चूल्हे पे खाना पकाया जाता है, तो उस बर्तन का टेम्परेचर क्या होता है? हाई होता है ना। आप उसको हीट प्रोवाइड करें, उसका टेम्परेचर राइज हो रहा है। सो स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ सेवेंथ, इन वाटर एट 20 डिग्री फॉरेनहाइट फिश कैन नॉट स्विम। या इट इज ट्रू स्टेटमेंट। 20 डिग्री फॉरेनहाइट है, ध्यान दीजिएगा, 20 डिग्री सेल्सियस नहीं है। 20 डिग्री फॉरेनहाइट पर जो वाटर होगा वो फ्रीजिंग पॉइंट, वो फ्रीज के फॉर्म में होगा, मीन सॉलिड फॉर्म में होगा, आइस फॉर्म में आ जाएगा। तो आइस में एयर कैसे स्विम करेगी? अगर वाटर फॉर्म में होता, देखिए वाटर तीन कंडीशन में होता है, स्टेट में, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड स्टेट में है तो उसको हम आइस कहते हैं, लिक्विड स्टेट में है तो सिंपली वाटर बोला जाएगा, एंड आइस सॉरी वेपर फॉर्म में है तो वो गैस स्टेट में, तो वो वेपर कहलाएगा, स्टीम कहलाएगा। बट कुछ रेंज है, 0 डिग्री फॉरेनहाइट है, 20 डिग्री फॉरेनहाइट, तो इसका मतलब ये आपका
20 डिग्री फॉरेन हाइट पर वो जो वाटर होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा, सॉलिड में फिश स्विम नहीं कर सकते। 100% फिश को स्विम करने के लिए वाटर किस फॉर्म में होना चाहिए? लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है क्योंकि कैन नॉट स्विम यहाँ पे लिखा हुआ है, नहीं तैर सकती है, इट इज ट्रू स्टेटमेंट। तो सेवेंथ एज ए ट्रू स्टेटमेंट, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेक्शन डी, मैच द फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे वो मैच करना है कि कौन सा ऑप्शन किससे है। एक चीज़ देखिएगा, आप लोगों की बुक में ऐसा दिया गया है कि सेक्शन ए में कभी कभी कम होगा एंड सेक्शन बी में ज़्यादा होगा। रीज़न ये है कि जैसे कि सपोज कर लीजिए फोर चॉइस इधर है, फोर चॉइस इधर है, तो अक्सर हम तीन के आंसर जानते हैं तो फोर्थ पॉइंट हम समझ लेते हैं कि इधर एक बचा, इधर एक बचा है, वो उसी का आंसर होगा। बट इसको थोड़ा सा और मॉडर्नाइज किया गया है। अब आपके पास कभी कभी सेम होता है बट कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर जो ऑप्शन होते हैं वो इससे एक ज़्यादा या दो ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर आप जज नहीं कर सकते हैं कि बचा हुआ इसका और इसका एक बचा हुआ एक ही आंसर है कि नहीं। तो कन्फ्यूज़न होता है वहाँ पर कि आखिर एग्जैक्ट आंसर क्या होगा। तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ के करिएगा। बैड कंडक्टर अब इसमें से कौन कौन सा है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी एज ए बैड कंडक्टर, उड जो है वो आपका बैड कंडक्टर है, उसमें से हीट ट्रांसफ़र नहीं होती है। थर्मल एक्सपेंशन किस में होता है, मेटल में होता है। थर्मल एक्सपेंशन का मतलब हीट प्रोवाइड करने पर उसकी लेंथ इंक्रीज हो जाना। आप मेटल को जब हीट प्रोवाइड करते हैं तो मेटल की लेंथ बढ़ती है ना, सिल्वर गोल्ड कॉपर आयरन किसी भी चीज़ को जब आप बहुत ज़्यादा हीट प्रोवाइड कर दीजिएगा तो वो एक स्टेज ऐसी आएगी कि वो एक्सपेंड करने लगेगा, उसकी लेंथ आपकी बढ़ने लगेगी। वही प्रोसेस क्या कहलाती है, थर्मल एक्सपेंशन कहलाती है। सेल्सियस एंड फॉरेनहाइट ये क्या है, ये टेम्परेचर स्केल है। टेम्परेचर को मेज़र किस में किया था, सेल्सियस में, फॉरेनहाइट में, केल्विन भी होता है बट यहाँ पर केल्विन दिया नहीं तो उसका कोई इशू नहीं है। अब गुड कंडक्टर कौन कौन से हैं, गुड कंडक्टर का मतलब जिसमें हीट अच्छे से प्रोवाइड हो जाए। ट्रेन्स गुड कंडक्टर है क्योंकि मेटल की बनी होती है, कार भी गुड कंडक्टर है क्योंकि वो भी मेटल का बना होती है। गुड इन कन्वेक्शन, अब वो एलिमेंट जिनमें कन्वेक्शन की प्रोसेस होती है, तो वाटर में होती है कन्वेक्शन, हीट ट्रांसफ़र होती है उसमें बाय कन्वेक्शन मेथड। सब्लिमेशन, सब्लिमेशन का भी इससे पहले के टॉपिक में आपको एक्सप्लेन किया था, ऐसा मटेरियल जो डायरेक्ट सॉलिड से गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए या सॉलिड से वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड फॉर्म, मीन सॉलिड से लिक्विड में ना आए, उस डायरेक्ट वो गैस में कन्वर्ट हो जाए। तो सब्लिमेशन कौन सा मेटल है, वो मटेरियल है आपका कैम्फर, जिसको हम लोग कपूर या काफूर बोलते हैं। तो कैम्फर एज ए सब्लिमिज्म। एल्कोहल, एल्कोहल अब आपको बताना है कि ये हो क्या होगा। एल्कोहल जो होता है वो ऐसा लिक्विड होता है जिसका लो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे हैं, हो सकता है जितने इधर रहे उतने आपके इधर मिल गए हो। सेवेंथ एंड सेवेंथ आपके एग्जैक्ट थे। नाउ सेक्शन ई, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पर इसका बताना है कि यहाँ पे कौन कौन से रीज़न क्या क्या होते हैं। पहला है, अच्छा इस पूरे इसका गिव रीज़न सेक्शन का, सेक्शन ई का हम आपको इसी वीडियो के लास्ट में अटैच कर देंगे आंसर, अगर आप वहाँ से लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिएगा, हम खाली एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। अ न्यू रज़ाई क्विल्ट इज़ बेटर देन एन ओल्ड वन, जो नई रज़ाई होती है क्विल्ट कहा जा रहा है उस, वो नई अच्छी होती है इन कंपेयर टू ओल्ड। आपने देखा होगा विंटर सीजन में सबके घरों में ब्लैंकेट रजाई या कुछ ओढ़ने का सामान निकला होगा। ब्लैंकेट है तो अलग इशू है बट जो रजाई होती है उसमें कॉटन होती है, रुई। तो जो नई होती है वो ज़्यादा गर्म होती है। आपने देखा होगा जब पुरानी हो जाती है तो उसको भेजा जाता है दुकान पर, फिर से वो धुन के आती है, खूब पफी हो जाती है। रीज़न ये होता है कि जब उसके मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं या उसके सारे थ्रेड दूर दूर होते हैं तो उसके बीच में एयर हो जाती है। जब एयर आ जाती है तो वो एयर एज ए इंसुलेटर होती है, बैड कंडक्टर होती है, यानी कि वो हीट को पास नहीं होने देती है। जब हीट उसमें रुकी रहती है तो वो हमको गर्म लगती है। तो हम विंटर में यूज़ कर रहे हैं उसका तो हमको गर्म ही चाहिए उसको। तो न्यू रज़ाई इसीलिए बेटर होती है क्योंकि उसमें एयर ज़्यादा होल्ड होती है, एयर ज़्यादा रुकती है और एयर एज ए इंसुलेटर होती है, वो हीट को ट्रांसफ़र नहीं करती है। जब वो पुरानी हो जाती है तो उसमें एयर कम आती है क्योंकि वो दब जाती है, सिकुड़ जाती है, तो उसके बीच में गैप कम होता है, गैप कम होगा तो एयर कम आएगी। एनिमल्स एंड बर्ड्स
प्लफ अप देयर फर एंड फेदर्स इन विंटर। आपने देखा होगा आजकल कोई भी एनिमल हो गया या बर्ड्स को नॉर्मली ध्यान से देखिएगा, वो अपने सारे पंख को ऐसा फुला लेती है, फैला लेती है। रीज़न ये होता है कि जब वो अपने पंख को फैलाती है तो उसके बीच में एयर आ जाती है, जब एयर आती है तो एयर एज इंसुलेटर होती है, वो उसकी बॉडी को गर्म करती है। आउटर वॉल्स ऑफ हाउसेज आर पेंटेड वाइट इन प्लेस ऑफ हॉट क्लाइमेट। जहाँ पे गर्म क्लाइमेट होता है, जैसे रेगिस्तान ले लीजिए या कुछ ऐसे इलाके ले लीजिए जहाँ पे बहुत गर्मी पड़ती है, तो जो बाहर का आउटर वॉल होती है उसको हमेशा वाइट पेंट किया जाता है। वैसे तो आप कुछ भी कर लीजिए, अब सबके घरों में फ़ैन, कूलर, ये सारी चीज़ें होती है, एसी होता है, तो जिसकी वजह से हम रूम के अंदर के टेम्परेचर को मेंटेन रख सकते हैं, ठंडा रख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर एनर्जी को सेव करना है तो जो रूम के बाहर का सरफेस होता है, जैसे कि रूम के अंदर आपने वाइट वॉश किया, पेंट किया, कुछ भी किया, जो रूम के बाहर की वॉल होती है उसको भी वाइट किया जाता है ताकि वो हीट को कम एब्जॉर्ब करे और रूम के अंदर गर्मी कम आए। क्योंकि ऐसा होता है, वाइट कलर जो होता है वो गुड रिफ्लेक्टर होता है हीट का, वो हीट को ज़्यादातर लौटा देता है, वापस कर देता है, तो वो एब्जॉर्ब नहीं करता है, जिस वजह से उसको वाइट रखने पर रूम ठंडा रहता है। रूम हीटर्स शुड बी प्लेस्ड एट ग्राउंड लेवल एंड एयर कूलर हायर अप इन द रूम। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें, जो रूम हीटर, विंटर सीजन है, सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे, या समर में आपके यहाँ कूलर निकलता होगा, यहाँ पर इन्होंने एयर कूलर लिखा है। अगर इसको ये एयर कंडीशनर लिख देते एसी, तो और बेटर ये जवाब आपको समझ में आता। फिर भी हम कहेंगे कि यहाँ पर आप एसी मान के चलिए, एयर कंडीशन। देखिए आजकल विंटर सीजन में क्या होगा, हम लोग अपने घरों में जब रूम हीटर यूज़ करते हैं तो हमेशा आप देखिएगा जो रूम हीटर का लेवल होता है, मतलब उसको जहाँ पे रखा जाता है वो ग्राउंड की तरफ होता है। ज़मीन पे रखिएगा या किसी स्टूल के ऊपर रखिएगा तो बहुत हाइट पे नहीं होता, वो नीचे होता है। और जो एसी होता है आपके रूम में, एसी लगा होगा या कभी ऑफिस में या कहीं भी देखिएगा एसी लगा हुआ, तो हमेशा एसी जो होगा वो रूम के ऊपर के पोर्शन में होगा, जैसे कि ऊपर का जो खुला हुआ हिस्सा है या विंडो लगी, इस तरीके का। एसी कभी ज़मीन पे नहीं रखा हुआ मिलेगा कहीं आपको। रीज़न ये होता है कि जो हॉट एयर होती है वो नीचे से ऊपर जाती है। हॉट एयर क्या होगी, नीचे से ऊपर जाएगी, और कोल्ड एयर क्या होगी, ऊपर से नीचे आएगी। सपोज़ कर लीजिए आपका हीटर नीचे है, तो नीचे हीटर ने जो इतनी हीट प्रोवाइड की वो हीट नीचे से ऊपर जा रही है रूम में, ठीक है ना। तो नीचे से ऊपर जाते वक्त उसने पूरे रूम को गर्म कर दिया, और अगर ऊपर रखते तो गर्म एयर ऊपर से ऊपर ही जाती, वो छत के ही पास रहती, सीलिंग के पास रहती, वो नीचे नहीं आती। एयर, गर्म हवा कहाँ होती है, ऊपर की तरफ जाती है, और ठंडी हवा कहाँ होती है, नीचे की तरफ आती है। तो अगर हीटर हम ऊपर लगाते तो ऊपर की हवा ऊपर ही रहती, नीचे नहीं आती, तो हमको गर्मी नहीं मिलती। हम क्या करते हैं, रूम हीटर को नीचे लगाते हैं, वो नीचे से गर्म हवा होती हुई ऊपर जाती, जिसकी वजह से पूरा रूम आपका गर्म हो जाता है। एसी में क्या होता है, ठंडी हवा निकलती है, तो ठंडी हवा हमेशा ऊपर से नीचे आती है, तो हम एसी ऊपर लगाएंगे तो ऊपर से ठंडा होते होते वो नीचे तक हम तक पहुंचती है, तो पूरा रूम हमारा ठंडा हो जाता है। अगर हम एसी को ज़मीन पे लगाते तो वो नीचे की हवा नीचे ही रहती, ऊपर की हवा आपकी गर्म रहती, तो हमारा रूम उस तरीके से ठंडा नहीं होता। तो रीज़न ये होता है, इसको हीटर को हमेशा ग्राउंड पोजिशन पर लगाया जाता है, और एसी को या एयर कूलर को हमेशा सीलिंग पोजिशन पर लगाया जाता है या ऊपर की तरफ रूम में लगाया जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि गर्म हवा नीचे से ऊपर जाती है और ठंडी हवा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, तो हीटर से गर्म हवा निकलती है वो नीचे से ऊपर जाती है, पूरे रूम को गर्म कर देती है, और एसी से ठंडी हवा निकलती है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है और पूरे रूम को ठंडा कर देती है। जब जैसी ज़रूरत होती है उस तरीके से हम उसका यूज़ करते हैं। अ थिन एथिक ग्लास टम्बलर क्रैक्स व्हेन हॉट टी इज पोर्ड इनटू इट। अब जैसे कि देखिए इस सीज़न में हम लोग किसी थर्मस फ्लास्क में अगर चाय रखें या गर्म पानी रखें तो वो अक्सर ब्रेक हो जाता है। अब जैसे कि हम लोगों के पास क्या होता है, स्टील का होता है, इंसुलेटेड होता है, वो गर्म रहता है, पानी या ठंडा रखा जाएगा तो ठंडा रहेगा। पहले क्या होता था कि अभी भी आपको हो जाएगा, कुछ हो सकता है कुछ जगहों पर मिल जाए, जो थर्मस फ्लास्क होता है उसमें अंदर का पोर्शन जो होता है, जिसमें वाटर या चाय रखी जा रही है, गर्म पानी रखा जा रहा है, अंदर का पोर्शन शीशे का होता है ग्लास। अब वो अगर से बहुत मोटा ग्लास होगा तो जब आप उसमें अंदर डालिएगा पानी, गर्म पानी, तो जो सरफेस वाटर के कांटेक्ट में आ रहा है वो एक्सपेंड करने लगेगा, एक्सपेंड करता है ना, लेकिन जो आउटर सरफेस होगा वो एक्सपेंड नहीं करेगा। तो जब दो लेयर अलग अलग प्रोसेस, एक अपनी जगह रुकी हुई, एक एक्सपेंड करी, तो वो ब्रेक हो जाएगा ना। इसलिए
हमेशा जब गर्म पानी को किसी बॉटल में ऐसे थर्मस फ्लास्क में रखा जाता है तो पहले थोड़ा सा गर्म पानी उसमें डाल के पूरा हिला दिया जाता है ताकि पूरी बॉडी का टेम्परेचर एक जैसा हो जाए, एक्सपेंशन हो जाएगा, उसके बाद आप चाहे जितना गर्म पानी डालिए वो टूटेगा नहीं। अगर अचानक से गर्म पानी उसमें डाल दिया जाएगा तो वो टूट जाएगा। नाउ नेक्स्ट, द पूरी स्वेल अप इन हॉट वाटर, पूरी जो है वो गर्म वाटर में क्यों फूलती है। यहाँ पे भी रीज़न वही है कि उसके अंदर जो एक्सपेंशन होता है, अंदर की एयर जो होती है वो एक्सपेंड करती है, जिसकी वजह से हीट प्रोवाइड होने पर वो फूल रही होती है। नो सेक्शन एफ, अच्छा सेक्शन ई का पूरा आंसर इस वीडियो के लास्ट में कनेक्ट होगा, आप चाहिएगा तो पूरे आंसर को वहाँ से भी देख लीजिएगा, लिखने का तरीका कैसा है वो आपको वहाँ से मिल जाएगा। नो सेक्शन एफ, इन विच केस विल द आइस क्यूब मेल्ट, वाई विल इट नॉट मेल्ट इन द अदर केस। यहाँ पे देखिए आइस क्यूब है, यहाँ पे आइस क्यूब है, आपसे पूछा जा रहा है इन दोनों में से किस में आइस क्यूब मेल्ट होगी। देखिए ये इसको लिक्विड वाटर है, ये आइस क्यूब है और यहाँ पे हीट प्रोवाइड की जा रही है। तो वाटर में क्या होता है, हीट का प्रोसेस वो ट्रांसफ़र कैसे होता है, बाई कन्वेक्शन मेथड होता है। मतलब क्या होता है, यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स हीट को एब्जॉर्ब करेगा वो सरफेस पे आ जाएगा, यहाँ का जो हीट को प्रोवाइड करेगा वो सरफेस पे आ जाएगा। तो हीट ऊपर जा रही है, हीट नीचे की तरफ आ ही नहीं रही है। तो अगर नीचे हीट नहीं आएगी तो यहाँ पर जो आइस पार्टिकल है, आइस क्यूब है, वो देर में मेल्ट होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो भी हीट इस पॉइंट पे मिल रही है मॉलिक्यूल्स को, वो सारी हीट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी, ऊपर सरफेस पे। यहाँ पे जो मिल रही थी वो भी सरफेस पे जा रही थी, बट क्यूब तो नीचे है ना, आइस बॉडी नीचे है, बट यहाँ पर क्या नीचे से ऊपर जा रही है और सारी हीट कहाँ जा रही, आइस को मिल रही है। तो इसमें आइस जल्दी मेल्ट हो जाएगी और इसमें देर में मेल्ट होगी। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इफ़ अ डोर और विंडो इज ओपन ऑन ए कोल्ड विंटर डे, Why it is wrong to say don't let the cold in? अगर door या window को open कर दिया जाए तो ज़रा सा ये बताइए कि क्या पूरा room आपका ठंडा हो जाएगा या ठंड अंदर आ जाएगी। हाँ ऐसा होता है, reason ये होता है कि जब अभी इससे पहले के topic पे explain किया था कि जब आप door या window को open करोगे तो air का ventilation होगा, तो अंदर की जो हीट होगी वो बाहर ट्रांसफ़र हो जाएगी, यानी कि रूम के अंदर का टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। अगर से रूम के अंदर का टेम्परेचर कम होगा तो वही हमें लगेगा कि बाहर से ठंड आ रही, जबकि ओरिजिनल कैरेक्टर क्या होता है कि अंदर की हीट ट्रांसफ़र हो जाती है आउटसाइड द रूम, इसलिए वो हीट एयर के साथ ट्रांसफ़र हो जाएगी और आपका रूम ठंडा हो जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि रूम या डोर या विंडो को ओपन नहीं करो क्योंकि बाहर से ठंड अंदर आ जाएगी, जबकि ये बात गलत है। होता है क्या है कि अंदर की गर्मी बाहर चली जाती है, जो इससे हमको वो ठंडा लगता है। नाउ थर्ड क्वेश्चन, द फिगर शो टू एयर फिल्ड बल्ब कनेक्टेड बाई ट्यूब कंटेनिंग एल्कोहल, व्हाट हैपन टू द लेवल ऑफ द एल्कोहल इन द लिम्स एक्स एंड वाई व्हेन एन इलेक्ट्रिक बल्ब प्लेस्ड मिडवे इन स्विच्ड ऑन। जैसे कि यहाँ पे पेंटेड ब्लैक है, ये पेंटेड वाटर है, ये बल्ब है, सॉरी पेंटेड वाइट है, ये ब्लैक पेंट है और ये बल्ब है। जब बल्ब को हीट वो इलेक्ट्रिसिटी से ऑन किया जाएगा तो आप जानते हो बल्ब में क्या होता है, जब ये ऑन रहेगा तो यहाँ से लाइट एंड हीट प्रोवाइड होगी, गर्मी। तो जब हीट प्रोवाइड होगी तो जो ब्लैक पेंटेड है वो क्या होगा, हीट को एब्जॉर्ब करेगा और ये हीट को रिफ्लेक्ट करेगा। क्लियर, यानी कि इसका टेम्परेचर ज़्यादा हुआ, इसका टेम्परेचर नॉर्मल है या कम रहेगा इन कंपेयर टू ब्लैक पेंटेड बॉडी। अच्छा इसमें कौन सी स्पिल है, यहाँ पे लिखा था अल्कोहल ना, इसमें क्या है, अल्कोहल है। अब देखिए अगर से इसको हीट प्रोवाइड की जा रही है तो अल्कोहल एक्सपेंड करेगा ना, अल्कोहल क्या होगा, एक्सपेंड करेगा, और इसमें टेम्परेचर कम है तो यहाँ पे एक्सपेंशन कम होगा, जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें अल्कोहल में एक्सपेंशन ज़्यादा होगा, यानी कि वो बढ़ेगा ज़्यादा, फैलेगा। जैसे दूध को गर्म किया जाता है तो वो उबलता है ना वैसे ही, लेकिन उतना तो नहीं क्योंकि हीट यहाँ पे कम प्रोवाइड हो रही है, बट एक्सपेंड करेगा, थर्मल एक्सपेंशन होगा। तो जिसका टेम्परेचर ज़्यादा है उसका थर्मल एक्सपेंशन हो जाएगा उसमें। क्लियर, ओके। नाउ फोर्थ पॉइंट, Why should water not to be filled up to the brim in vessels and then heated? Question number 5, wrap a thin paper strip tightly around an iron rod. Try to burn the paper with a candle while
रोटेटिंग द रॉड कॉन्टिन्यूसली डज इट बर्न, वाई एंड वाई नॉट, बर्न नहीं होगा बैरल, रीजन ये फोर्थ फिफ्थ क्वेश्चन नंबर सिक्स छोड़ दीजिएगा क्योंकि ये आपके लेवल का नहीं है, यहाँ पे पूछ लिया है बट इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आपके चैप्टर में है नहीं ना, सो क्वेश्चन नंबर ये क्लास एट्थ या नाइन्थ या टेंथ वहाँ पे जाके इसको खुद ब्रीफली डिस्कशन होगा, सो इसको लीव क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर वन टू थ्री फोर फाइव आई विल प्रोवाइड इन दिस वीडियो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, सो वॉच फुल वीडियो, इन केस ऑफ एनी डाउट यू मे कॉन्टैक्ट मी ऑन माई व्हाट्सएप नंबर, थैंक यू एवरी वन, गुड बाय।